नमस्कार दोस्तों, जगु टेक में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम ऐसी ऐप लेके आए हैं, अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप इसके थ्रू अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और आप इंग्लिश में चैट भी कर सकते हैं। तो आपके सामने जगु टेक दिख रहा है, रेड कलर के बटन दिख रहे हैं, आप उस पर क्लिक करके, अगर नए विजिटर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद बेल का आइकन आ जाएगा, बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। मैं चलता हूँ गूगल प्ले स्टोर में, उस ऐप के बारे में बताएंगे जहाँ से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उसमें कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा जिसके थ्रू आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। यू डिक्शनरी इंग्लिश ऑफलाइन, इसकी खासियत क्या है कि अगर आपका नेट नहीं भी चलता है तो आप इसका यूज़ आराम से कर सकते हैं। आपको अगर कोई इंग्लिश का वर्ड है जिसकी मीनिंग नहीं पता है, या कोई पैराग्राफ है, आप उसको भी सेलेक्ट कर देंगे तब भी उसका पूरा हिंदी में वो कन्वर्ट कर देगा। अभी मैं बता देता हूँ कि हिंदी में कन्वर्ट करेगा और कई सारी कंट्री की लैंग्वेज, आप अगर स्पेनिश है कोई, कोई जापानीज है कोई, बहुत सारे लैंग्वेज हैं इस दुनिया में, तो आप किसी भी लैंग्वेज में उसको मैसेज सेंड करके उसकी बातों को भी समझ सकते हैं, अपनी बातों को भी समझा सकते हैं। 1 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड किया, 4.4 की रेटिंग है। हम ओपन करते हैं सीधे और आपको बताते हैं कि कैसे काम करती है ऐप। आप देख रहे होंगे आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, आप वर्ड फ्रेज सेंटेंस आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे मैं एक सिंपल डाल देता हूँ, BOY, ठीक है जी, सिंपल मैंने BOY डाला जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे देख रहे होंगे लड़का, ठीक है, बालक, बेटा, लड़का, इतनी सारी चीज़ें आ जा रही हैं। आप अगर हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको बॉय, बॉय, ठीक है, आप यहाँ पे भी कर दीजिए बॉय, बॉय, ठीक है, आपको आवाज़ सुनाई पड़ी होगी, ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे अब बेटा आपने कॉपी कर लिया, ठीक है, पूरा सेलेक्ट कर लिया आपने, और इसके बाद कॉपी करके आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसका इंग्लिश यहाँ पे आ गया। मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि जो आपके आपका कोई पैराग्राफ हो, आप कोई आप पढ़ रहे हैं, ब्लॉग पढ़ रहे हैं, आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कोई इंग्लिश का न्यूज़ पढ़ रहे हैं, आप वहाँ पे उस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने अभी सेलेक्ट किया, मैंने तो अभी छोटा सा बालक की ओर सेलेक्ट किया है, आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसकी मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने हम बैक गए, अब यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आप इंग्लिश टू हिंदी है, आप इसके अकॉर्डिंग अपना हिंदी पे क्लिक करिए। आप हिंदी नहीं चाहते हैं, आप यहाँ पे जो मैंने अभी लैंग्वेज की बात किया था, यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज हैं, आपका इससे काम बन जाएगा, इतनी सारी लैंग्वेज हैं यहाँ पे। और इसके बाद हम बैक करते हैं और यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे ऑफलाइन डिक्शनरी आपको दिख रही है, माई वर्ड, ठीक है, सेटिंग है, और आप यहाँ से रेटिंग भी दे सकते हैं। मैंने ऑफलाइन डायरेक्टरी पे, डिक्शनरी पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि इंग्लिश इंग्लिश सिंपल सेंटेंस है और कई सारी चीज़ें हैं, वर्ड नेट, ठीक है, इंग्लिश डिक्शनरी है, इंग्लिश है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, आपके मोबाइल में चीज़ें आ जाएंगी, उससे रिलेटेड जो वर्ड होंगे आपको मिल जाएंगे। आप अपना आराम से उसको याद करिए, याद करने के बाद अपना इम्प्लीमेंट करिए। ये ऑफलाइन जी, डिक्शनरी है, ठीक है जी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसको, एक मिनट, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैं एक सेंटेंस अभी आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ कि आप चीज़ों को बिल्कुल क्लियर जानिए, क्योंकि ये चैनल जो है आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर देता है। तो अब देखिए यहाँ पे है टेस्ट योर इंग्लिश ग्रामर, यहाँ पे क्या है कि आप अपना जो है इंग्लिश ग्रामर को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आप कहाँ पे, जैसे माई फादर इज़ ए फार्मर बट योर, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, ड जाएगा, जिसके थ्रू अभी आप इसको करेंगे तो आपको एक रेटिंग दी जाएगी कि आप कितने इसमें क्वेश्चन सही किए हैं, जो आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे, एक तरह से आपका एक टेस्ट होगा, ठीक है जी।
ये अब मैंने ग्रामर को सेलेक्ट कर लिया है, जो सेलेक्ट करने की बात थी मैंने यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए ग्रामर की हिंदी, हमने इंग्लिश हिंदी लिखा तो यहाँ पे ग्रामर का भी हिंदी आपके सामने आ जाएगा। आप लोगों को हमें लगता है पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा दी गई जानकारी, देखिए ग्रामर आ गया ना व्याकरण, तो इसकी हिंदी आ गई। अब आप इंग्लिश की जगह कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे हिंदी की जगह तो वो आ जाएगा। अब मान लीजिए मैंने स्पेनिश सेलेक्ट किया तो स्पेनिश में आ जाएगा, चाइनीज़ चाइनीज़, आप समझ सकते हैं। आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, वीडियो लंबी जा रही है इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं मैं नहीं बता पाऊंगा। अब जब आप यूज करेंगे दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा क्योंकि ये आपके फ्यूचर से रिलेटेड है। आप अपने बच्चों को भी बता सकते हैं, अगर कोई बच्चा कोई आपसे क्वेरी करता है किसी भी वर्ड मीनिंग से रिलेटेड, आप तुरंत यहाँ पे उसको वर्ड को टाइप करिए और उसका हिंदी में आंसर दे दीजिए, और उसको भी बता दीजिए कि बेटा ये लो मोबाइल है और यहाँ जो वर्ड समझ में नहीं आता आप हिंदी में इसकी जानकारी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।